मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय मुक्तापुर के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। मुख्यमंत्री का यह 3 दिन के अंदर भागलपुर में तीसरी जनसभा है। मुख्यमंत्री ने इंडिया महागठबंधन को जमकर लताड़ा और कहा कि दोनों पति पत्नी लालू और रावड़ ने मिलकर बिहार पर सालों तक शासन किया। पहले पति सीएम बने, जब वो हट गए तो उनकी पत्नी को सीएम बनाया गया। आजकल बेटा बेटी सबको लगा दिए हैं, लेकिन एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं मुख्यमंत्री ने आम आवाम से कहा कि जिसने जनता के लिए अभी तक कुछ काम नहीं किया उसको वोट कीजिएगा, या फिर भाजपा के साथ हम काम कर रहे हैं हमें वोट कीजिएगा। वहीं जनता ने भी एनडीए के लिए आवाज बुलंद की और जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय मंडल के नारे लगाए। वहीं 23 अप्रैल को भागलपुर शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रोड शो किया जाएगा। इस रोड शो में तिलकामानी से घंटाघर, घंटाघर से जनता टाकेज स्टेशन चौक, कोतवाली चौक, घंटाघर से होकर आदमपुर होते हुए तिलकामांझी में जाकर रोड शो समाप्त की जाएगी। हम आपसे अनुरोध करते आए हैं कि आप जिताइए और आप जान लीजिए, हम तो यही चाहेंगे कि आज का जो दूसरा पटिया वाला है इधर उधर सब धंधा कर रहा है, यहाँ पर जान लीजिए। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे और देश भर में हम लोग जीतेंगे 400 से ज्यादा सीट। और श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, यही हम लोगों की इच्छा है। और हम ही चाहते हैं कि अजय कुमार मंडल जी को आप विजयी बनाइए, यही हमारा अनुरोध है। भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए कई महीनों से अविश्वास की प्रक्रिया चल रही थी। अंततः आज जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें एक ही प्रत्याशी मिथुन यादव अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किए थे। उन्हें निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष के लिए चुन लिया गया। चुनाव प्रक्रिया के बाद जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसोर चौधरी ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। वहीं मिथुन यादव के समर्थक काफी खुश दिखे और खुशी का इजहार उन लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व मिठाइयां बांटकर की। मिथुन यादव ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष पद पर मैं निर्विरोध चुना गया हूं, इसका मैं पूर्ण रूपेण कर्तव्य निष्ठा से पालन करूंगा और रुके हुए कार्य जो पहले अध्यक्ष के समय में नहीं हो पाया था वो सब पूरा करूंगा और जो भी नई योजनाएं होंगी उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य करूंगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आज जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए जो रिक्त था आज निर्वाचन की तिथि घोषित की गई थी। 11 बजे से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, काफ़ी सदस्य नहीं आए थे तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 घंटा वेट करना था। 12:01 से तक वेट करके 12 बजे तक वेट करके 12:01 से अन्य प्रक्रिया शुरू की गई और सभी सदस्यों को आज निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में डिटेल में अवगत कराया गया। पुनः नाम निर्देशन हुआ और नाम निर्देशन के उपरांत पूरी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त की गई और अध्यक्ष पद का आज निर्वाचन संपन्न हुआ और जो निर्वाचित किए गए हैं उनकी घोषणा की गई, उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही 2 शपथ पत्र है, वो शपथ ग्रहण करा करके शपथ पत्र रिजर्व किया गया है। और विधिवत संबद्ध चुनाव हुआ और हम लोग डीएम साहब से और चुनाव आयोग से और कोर्ट से संतुष्ट हैं और ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग टोटल 19 आदमी आए। अब क्या काम होगा जिला परिषद का ये बता दीजिएगा, मुद्दा क्या है? अब तो बन गया, अब दौड़े काम नहीं होगा, विकास की गंगा बहेगी। और वैसा वैचारिक जितने भी पार्षद हैं वो सब अपने आप को अध्यक्ष मान के काम करेंगे और हर क्षेत्र में हर जनता का एक एक विकास होना है। क्षेत्र के जितने भी विकास होंगे हर जनता उससे लाभान्वित होंगे। ये आप लोगों ने हमें जो आज बोलने का मौका दिया, मैं आप लोगों को भी वचन देता हूँ विकास के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। पूर्व अध्यक्ष ने जो आरोप लगाया गया है, क्या अब उस आरोप की जांच आपकी कार्यकाल में होगी? जरूर होगी, अब देखेंगे, हम लोग बैठेंगे आपस में विचार करेंगे, उसका कमेटी बैठता है, हम क्यों करें, कमेटी जो बैठेगी जो निर्णय लेगी उसमें हम लोग करेंगे। जरूर होगी जाँच, ठीक है, होगा तो कमेटी बैठ के हम लोग। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं।
निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज भागलपुर लोकसभा के नौगछिया अनुमंडल में रोड शो एवं लोगों के बीच जनसंपर्क किए एवं भागलपुर से एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल को वोट देकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए लोगों से अपील करते दिखे। जनसंपर्क के तहत नौगछिया के कई क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया। एनडीए ने सवर्ण वोटरों को रिझाने के लिए विजय सिन्हा को इसकी कमान सौंपी है। वहीं नौगछिया पुलिस जिला क्षेत्र के कई गांव में भूमियार, ब्राह्मण, राजपुर, बहुल गांव में स्वर्ण वोटर को रिझाने की कोशिश करते दिखे विजय सिन्हा। चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है, इस बार का चुनाव बिहार बदलने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा कि बिहार के अंदर परिवारवाद की जमींदारी चलेगी या लोकतंत्र के जननी के भूमि से जन्म लेने वाला जो प्रधान सेवक का अनुयायी है उसकी सरकार रहेगी। ये चुनाव तय करेगा कि अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है उसका राज्य चलेगा या बिहार के अंदर मोदी जी की गारंटी चलेगी। जो कहते हैं सो करते हैं और जो कहेंगे सो करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन गरीबों का मसीहा बनने वाला व्यक्ति ये बिहार को कलंकित किया है, बिहारी शब्द को लज्जित किया है, बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों के पलायन के लिए विवश किया है, बिहार की प्रतिभा का दमन किया है। ये तय करना है इस चुनाव में 40 के 40 जब मोदी जी को मिलेगा, उन्होंने कहा है कि विकसित भारत बनना तय है, लेकिन जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, बिहार समृद्ध नहीं होगा, तब तक विकसित भारत में कठिनाई है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भागलपुर में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता क्षेत्र भ्रमण में लगे हुए हैं। इसी बाबत आज एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के समर्थन में नेताओं ने जनसभा किए। सुखदेव राम सुंदर उच्च विद्यालय खबासपुर के खेल मैदान में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान, बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा एवं बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार ने सामूहिक रूप से जनसभा को किया। इस जनसभा में पीरपैंती विधानसभा के हजारों जनता आम सभा में एकत्रित होकर एनडीए को जिताने के लिए हुंकार भरे। वहीं जीतन राम मांझी ने अजय मंडल के लिए जनता से वोट मांगा तो चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री का जमकर बखान किया। व्यक्ति आय में इजाफा होता है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आने लगती है और यही कारण है कि आज देश में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का।
हमारा विकसित देश भारत तब बनेगा जब देश का हर राज्य विकसित राज्य बनेगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित जिला बनेगा, जब हर एक प्रखंड विकसित, हर एक पंचायत विकसित और हर एक गांव विकसित गांव बनेगा, तब हम लोग 2047 तक देश को विकसित देश बना पाएंगे। जिसकी नींव को मजबूती देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी पहले से ही शुरू कर चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोमवार को उप प्रमुख का चुनाव अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर द्वारा किया गया। वहीं सबौर में उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित पदाधिकारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार द्वारा चुनाव कराया गया। पिछले दिनों राज्य सरकार की ओर से सबौर उप प्रमुख के पद को रिक्त कर दिया गया था। नवनिर्वाचित उप प्रमुख देवानंद सिंह ने बताया कि प्रखंड में विकास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि उप प्रमुख पुष्पा कुमारी नल्ला लंबे समय से बीमार होने के कारण कार्यालय में किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाती थी और इस कारण कई विकास कार्य रुके हुए थे। उन्होंने बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद पंचायत समिति का कार्यालय समय पर खुलेगा और लंबित कार्यों का निष्पादन भी जल्द होगा। हम लोग सभी सदस्य 15 तो हमारे सबौर प्रखंड के 15 प्रत्याशी आए थे पंचायत समिति सदस्य, जिसमें एक उपस्थित नहीं थे, जिसके विरोध की हम लोग प्रस्ताव लगाए थे, जिसमें आज हम लोग का मेहनत सफल हुआ। हम लोग 14 कैंडिडेट के साथ निर्विरोध चुने गए। भागलपुर के मोहद्दीनगर दुर्गा स्थान समिति के द्वारा श्री रामचरित कथा संगीत व प्रवचन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कथावाचिका मानसमंजरी लक्ष्मी रानी ने भगवान श्री राम के सरल स्वभाव, मृदुभाषी व वीरता व सत्य पर सत्य की जीत को लेकर लोगों के बीच उनके गुणगान व प्रसिद्धि को परोसा। वहीं भक्तगण श्री राम के गुणगान करते दिखे, पूरा पंडाल श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। कार्यक्रम मोदीनगर दुर्गा स्थान समिति के द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही कार्यक्रम में पहुंची भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भी लोगों का उत्साहवर्धन किया। आज यहाँ भगवान चरित मानस का पाठ हो रहा है और काव्य पाठ हो रहा है। बहुत ही सुगम और सरल तरीके से श्रीमती मानस मंजरी श्री रानी जी के द्वारा यहाँ हो रहा है। उनकी बहन राधा रानी जी भी आई हुई है। दोनों के द्वारा यहाँ पर बड़ा ही मधुर पाठ किया जा रहा है। कितने दिन का कार्यक्रम था ये कार्यक्रम 17 अप्रैल को आरंभ हुआ है रामनवमी के दिन जी, और उसके बाद 17 अप्रैल से लेकर के आज इसका समापन है, इसका अंतिम दिवस है। आज ये कथा होकर ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। 5 दिनों का कार्यक्रम था ये।